सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो मैं जस्ट अभी मेरी वीकली ग्रॉसरी करके घर आया हूँ एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड शेयर इट विद यू गाइज, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अगर कनाडा में है तो हाउ शुड वी मेंटेन आवर हेल्थ, डाइट कैसे करें, वर्कआउट कैसे मैनेज करें, ये सब चीज़ें कैसे करें। नाउ क्योंकि मैं कल से मेरी डाइट पे वापस जाने वाला हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू लूज वेट अगेन जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि आज मैं सिर्फ मेरा डाइट का सामान लेके आया हूँ। तो हाउ मच डज 1 वीक ऑफ डाइट कॉस्ट फॉर वेट लॉस, तो मैं कितने आइटम्स लेके आया हूँ, मैं क्या क्या खाऊंगा, क्या डाइट फॉलो करूंगा, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज ट्रांसपेरेंटली एंड ये मैं एक प्रॉपर सीरीज टाइप बनाऊंगा जिसके अंदर यू गाइज विल सी माई प्रोग्रेस। मेरा अभी करंट वेट कितना होगा, आफ्टर 2 मंथ्स मैंने क्या प्लान किया है, व्हाट विल आई अचीव, व्हाट्स द प्रोग्रेस, तो सब कुछ मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। बिफोर बिगिनिंग लेट मी जस्ट टेल यू गाइज कि मेरी जो एपेटाइट है वो कम है। सीइंग माई हाइट, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ज़्यादा खाना चाहिए, तुम बहुत खाओ, बट मेरा बॉडी टाइप वैसा नहीं है। मैं अगर 2 रोटी की तीसरी रोटी भी खाता हूँ तो मेरा वेट नेक्स्ट दिन स्पाइक हो जाता है। तो मेरा बॉडी टाइप कुछ इस टाइप का है। करंटली मेरा जो प्लान है दैट इज गोइंग टू बी 1 kg पर वीक विच इज़ लिटिल एग्रेसिव, बट क्योंकि मैं पहले भी ये कर चुका हूँ और आई नो कि मेरी बॉडी कैसे हैंडल करती है। पहले मैंने गलतियाँ करी थी इस प्लान के अंदर, मैं बिल्कुल नहीं खाता पीता था, बट नाउ आई नो हाउ टू बैलेंस माई कैलोरीज, बैलेंस माई प्रोटीन इनटेक एंड मैं उस हिसाब से प्रॉपरली अपनी डाइट बनाता हूँ। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं लेके आया हूँ वो है लेमन्स। नाउ आई गॉट 3 लेमन्स फॉर 1 वीक, क्योंकि यहाँ पे जो लेमन्स का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो संतरे जितने तो यहाँ पे लेमन्स होते हैं। मोर ओवर अगर आपको पता हो तो एक प्रॉपर लेमन लेने से, एक पूरा लेमन अगर आप लो तो उससे आपकी विटामिन सी की जो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। बट दिस इज मच मोर देन व्हाट आई नीड या व्हाट एनीवन नीड्स, तो इसलिए मैं इसका आधा करूंगा। मैं 3 लेमन्स लाया हूँ, रोज आधा आधा खाऊंगा तो इट विल बी गुड फॉर 6 डेज। तो लेमन्स का रेट यहाँ पे $1 का 1 लेमन था, तो आई गॉट 3 लेमन्स फॉर $3। नाउ द सेकंड थिंग विच आई गॉट आर एग्स। नाउ दीज आर पैक ऑफ 12, तो ये 12 अंडे हैं। मैं रोज ऑलमोस्ट 2 अंडे खाऊंगा तो दे विल बी गुड फॉर 6 डेज। दीज आर कॉल्ड ग्रे रिज वाइट एग्स लार्ज, मुझे इतने खास बड़े भी नहीं लगते, बट ये नॉर्मल एग्स जितने ही लगते हैं मुझे। एंड दिस पैक ऑफ 12 कॉस्टेड मी $5। नाउ द थर्ड थिंग विच आई गॉट इज ब्रेड। नाउ दिस इज 14 ग्रेन ब्रेड, तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड यूजुअली प्रेफर करता हूँ ओवर वाइट ब्रेड। दीज आर वेरी नाइस क्योंकि ये टेस्ट में भी ठीक ठीक लगती है मुझे। एंड इन जनरल मैं इनके बीच में पीनट बटर लगा के दिन में 2 ब्रेड के बीच में एक बार पीनट बटर सैंडविच टाइप खा लेता हूँ। ये कुछ $3.5 की थी, $3.67 की थी, विच इज गुड। इफ यू लाइक वाइट ब्रेड देन वो आपको इससे भी काफी सस्ते में मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज ऑनियंस। नाउ रेड ऑनियंस, व्हाइट ऑनियंस सब ट्राई कर चुका हूँ, बट दीज आर ओके, मोस्टली यहाँ पे सब यही लेके आते हैं। दीज कॉस्टेड जस्ट $2 विच इज फाइन। तो जब मैं अंडा बनाऊंगा तो उसके अंदर आई एम गोइंग टू यूज दीज आर मोर देन व्हाट आई रिक्वायर, मतलब 1 हफ्ते के लिए, बट अगर बच जाता है तो आई यूज इट लेटर ऑन, बट ये पैक के अंदर ही आते हैं, सो देयर इज नो ऑप्शन कि मैं इनमें से कम ज्यादा कर सकूँ। सो नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज कर्ड। नाउ कर्ड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये पूरा 1 डब्बा है तो मैं ये 2 दिन में खत्म कर देता हूँ। एक बार में अगर मैं खाता हूँ तो मैं आधा डब्बा करीब खा जाता हूँ। नाउ ये मोधानी ब्रांड का कर्ड है विच आई पर्सनली लाइक। मैं दूसरे भी ब्रांड्स ट्राई कर चुका हूँ, बट मेरे घर के पास जो सनी फूड मार्ट है उसमें ये बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है। एंड ये $2 का 1 है विच इज 750 ग्राम्स। मैं 2 दिन में 1 डब्बा खत्म करता हूँ, तो 6 डेज में आई गॉट 3 ऑफ देम। So total these costed me $6. Now the next thing which I got is these gala apples. Now यहाँ पे इनको कहते तो Washington Gala apples है, but आपको जैसा भी एप्पल आपको चाहिए आप खा सकते हो। मुझे पर्सनली जो जूसी एप्पल्स होते हैं वो ज्यादा पसंद होते हैं, तो ये थोड़े ज्यादा जूसी वाले होते हैं। These are usually the cheapest ones also, and these 6 apples costed me $5.74. Next thing which I got are bananas. Now क्योंकि मैं 1 दिन में 1 एप्पल और 1 बनाना खाऊंगा, तो इसलिए I preferred going with the bigger ones. Now these bananas just costed me $3.68. So the last thing which I got was of course milk. Now I went ahead with getting the 3.25% वाला milk. Personally protein वाला भी दूध try किया था जो कि टेट्रा पैक्स और बॉटल्स में आता है, बट आई थिंक ये जो 4 लीटर्स का होता है ये मैं आराम से 5 डेज 6 डेज चला लेता हूँ। सो इसलिए मैं हर वीक जाके एक ये ले आता हूँ। एंड दिस इज प्रिटी स्टैंडर्ड, यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो यूजुअली यही वाला दूध लेते हैं। तो ये 4 लीटर का पैक कॉस्टेड मी जस्ट $8। नाउ हियर इज द बिल एंड इन टोटल मेरी ग्रॉसरी पड़ी वो थी $36.81 आफ्टर टैक्स। अगर आप 4 हफ्ते में इसको 4 बार ग्रॉसरी करते हो तो आपका अराउंड $120-$130 के करीब पड़ेगा, जो कि फिर भी सस्ता है। एंड आई पर्सनली डोंट प्रेफर कि आप पूरे महीने का एक साथ जाके ले आओ। तो मैं अगर मुझे कुछ स्विच करना होता है तो आई हैव द फ्रीडम ऑफ ट्राइंग डिफरेंट फूड्स, तो इसलिए मैं हर वीक जाके कर लेता हूँ। सो ये थी मेरी एक वीक की ग्रोसरी अकॉर्डिंग टू माई न्यू डाइट प्लान। तो लेट मी नो आपको एक ऐसा लगा। छोटा सा वीडियो मैंने सोचा मैं बना दूँ जल्दी से। तो आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो, इसका फॉलो अप वीडियो, जिसमें मैं आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं एग्जैक्ट क्या डाइट खा रहा हूँ। पूरी प्रोग्रेस मेरी मैं वीडियोस में रिकॉर्ड करूंगा। आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस। इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट योर ओन वेट लॉस जर्नी अगेन, तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई हैव गॉट सम प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टफ फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।